बिलाल साहब है ना था वो वाइस प्रिंसिपल, उस ना लेना कॉन्ट्रैक्ट है। ए मौसम खाले साहब सुनो पैसे खाले साहब, इसने अगर किसी को मैसेज गई सी ये कहती है मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अंकल 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 रफायदा बड़ी होके क्या बनेगी ये भाई जान, मुझे तारिक साहब ने बोला भी नहीं कब सर। सरोवर का क्वेश्चन करा देगा, क्वेश्चन क्वेश्चन करो सर। अपना नाम बताए और ये बताए कि जो ये आँखों का जो आपको जो प्रॉब्लम हुई ये कब से हुई थी, आपको क्या है मतलब जब आपने जन्म से ही हुआ कि उससे उसके बाद हुआ था। जी मेरा नाम तारिक बशीर है, तो मैं अंदूरा शांगस तहसील के एक दूरदराज ग्राम अंदूरा में रहता हूँ। और जो मेरी ये आई साइट प्रॉब्लम है ये बाय बर्थ है, माँ के पेट से ही है। तो इसको एक आई डिजीज़ होती है रेटिना पिगमेंटोसा आरपी डिजीज़, तो मैं उसी से सफ़र कर रहा हूँ। तो अभी जो आप असिस्टेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं, तो इस मंजिल तक कैसे पहुँचे आप जबकि आपकी आँखों की बिनाई ही नहीं है, इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये है कि हम ट्विंस पैदा हुए अपनी फैमिली में, तो मेरा दूसरा भाई जो फारूक बशीर जिनका नाम है वो एज ए जनरल लाइन टीचर काम कर रहे हैं। तो हमारी एजुकेशन जो है एक लोकल स्कूलिंग से ही स्टार्ट हो गई। तो ये जो दूसरा मेरा ट्विंस भाई है हम इकट्ठे जाया करते थे, लेकिन फिर फोर्थ या थर्ड या फोर्थ क्लास में था जब ये डिटेक्ट हो गया कि क्योंकि मैं किताब नज़दीक रख के पढ़ता था, बोर्ड को नज़दीक से देखता था, तो फिर जब डॉक्टर के पास लेकर गए मुझे पेरेंट्स, मुझे तुमने बोला कि इसकी एक आई डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं कॉल्ड रेटिना पिगमेंटोसा, तो इसका कोई ट्रीटमेंट एज सच नहीं है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो आई साइट है ये डिजनरेट होती जाएगी। लेकिन फिर जैसे तैसे करके बाई के इस उन्होंने काफ़ी सारी हेल्प की, पेरेंट्स और फ्रेंड्स ने हेल्प की, और मैंने आखिरकार टेंथ क्लास का एग्ज़ाम जो है पास किया। लेकिन उसके बाद आई साइट जो थी वो मेरी 100% लॉस हो गई। तो मैंने जो ये अपना ये स्टडी है एजुकेशन है वो मैंने 8 साल के लिए छोड़ दी। तो फिर एक बार एक रेडियो टॉक पे एक ब्लाइंड पर्सन को इनवाइट किया गया था, तो वहाँ पर जब मैंने ये उसका इंटरव्यू सुना तो उससे मैं इनक्रेज हुआ कि हाउ ही हैज लर्नड, हाउ ही हैज़ गॉट हिज रिसीव्ड हिज एजुकेशन। तो फिर यहाँ पर भी मैंने अपने वालिद साहब से बात की कि ऐसे मुमकिन अगर हो सकता है अगर मुझे लिखने के लिए दूसरा बंदा अवेलेबल रहे वो प्रोवाइड हो, और फिर हमने ये स्टार्ट किया और मेरी एजुकेशन जो है फिर मैंने 8 साल के बाद फिर से एजुकेशन अपनी स्टार्ट की। और घर में ही वालिद साहब किताब वगैरह पढ़ते थे, मैं वो सुनता था, वो याद रखता था, फिर अपने टैप रिकॉर्डर पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो नोट करके रखता था, और फिर इनको सुन के खुद ही जो भी क्वेश्चन मैं अपने जहन में सोचता था कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं इसका आंसर कैसे लिखूंगा। तो ऐसे करके फिर मैंने एजुकेशन स्टार्ट की इन 2003 मैंने स्टार्ट किया, एंड आफ्टर दैट आई नेवर लुक्ड बैक। मैंने 12th किया एज प्राइवेट कैंडिडेट इन फर्स्ट डिवीज़न, फिर मैंने फर्स्ट डिवीज़न में ग्रेजुएशन कम्प्लीट की फ्रॉम GDC बॉयज़ अनंतनाग। तो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री सब्जेक्ट में की, और फाइनली मैंने नेट सेट क्लियर करके तो पहले मैं जर्नल लाइन टीचर अपॉइंट हो गया था 2009 में,
10 में मैं 10+2 लेक्चरर अपॉइंट हुआ, और रिसेंटली 2016 में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुआ। सर ये बताइए, तारिक साहब ने जो ये कारनामा अंजाम दिया, इतनी डिग्री हासिल कर ली आंखों की बिनाई ना होने के बावजूद भी, तो इसके मतलब आप क्या कहना चाहेंगे और दूसरों लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस बीमारी में मुबतला है या किसी भी स्पेशल डिसेबिलिटी से में मुबतला है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी कि आगे लाइफ में कैसे आप आगे कुछ हासिल कर सकते हो? मेरा तो ये उन लोगों के लिए एक पैगाम है कि वो जो कारनामा इसने अंजाम दिया उससे वो इंस्पायर हों, उससे वो सबक हासिल करें और वो भी अपनी ज़िंदगी को इस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करें और कामयाब हो जाएं। वो ये अपने दिल में ये पैदा ना करें ये बात कि वो भी एक नाखैज हैं, बल्कि वो सोसाइटी के अहम मेंबर हैं। दिल में हिम्मत होनी चाहिए और तड़प होनी चाहिए कोई चीज़ हासिल करने के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी साथ देता है, बाकी सोसाइटी की भी तरफ से क्या नाम है ये उनको हिमायत मिलनी चाहिए, माँ बाप की तरफ से भी हर तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए, तो आगे बढ़ने चाहिए। वो जिस तरह से मेरे बेटे ने करके दिखाया, इसने कुछ हासिल किया, इसको मेरा भी सपोर्ट रहा, माँ का भी सपोर्ट रहा, भाइयों का भी सपोर्ट रहा, तो ये आगे बढ़ता रहा। इसने कभी भी दिल में ये महसूस नहीं किया कि मैं एक हैंडीकैप्ड हूँ, मुझे आगे बढ़ने का शौक़ नहीं है, लेकिन इसके दिल में ये चाहत थी, ये शौक़ था, इसने मुसम्मम इरादा कर लिया आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे खुशी है, मुझे फ़ख्र है इस वक्त ये अच्छी पोस्ट पर है, बल्कि तमाम इसका पैगाम जाना चाहिए उन लोगों के लिए जो नाखैज़ हैं, जो अपने आप को इस किस्म के यानी सोसाइटी के काबिल या आगे बढ़ने के काबिल नहीं समझते हैं, वो इबरत हासिल करें और आगे बढ़ें, हिम्मत दिल में हिम्मत पैदा।